आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसी चैटिंग टेक्निक्स को जो कि अगर आपको पता लग गई तो लड़कियों को आपसे बात करने में बहुत मज़ा आएगा और इतना मज़ा आएगा कि लड़की आपसे दिन रात बात करेगी, खुद ही मैसेजेस करेगी, लंबे लंबे, बड़े बड़े, और वो बोलेगी कि चलो ना मिल लेते हैं, मिलेगी, चीज़ों को आगे बढ़ाएगी, आपसे पट जाएगी, समझ रहे हो ना, सब कुछ सेट हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो वीडियो को देखना पड़ेगा और जो मैं बता रहा हूँ वो करना पड़ेगा। देखो, किसी भी लड़की से डायरेक्ट चैटिंग पे बात करने से पहले आपको ज़रूरी है कि उससे इन रियल बात कर ली जाए। ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं, 95% तक लड़के, कि लड़की को देखते हैं, मज़ा आता है और वो सोचते हैं कि डायरेक्ट अब इससे इंस्टाग्राम पे ही बात करूँगा या व्हाट्सएप पे ही बात करूँगा। तुम भी यही करने की सोच रहे हो? देखो मेरे भाई, लड़कियों के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लड़कों की हद से ज़्यादा, हजारों में लड़के हैं जो इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजे हुए हैं, व्हाट्सएप पे कितने लड़कों को ब्लॉक कर चुकी है, तुम जैसे लड़के कितने उसको प्रपोज करते हैं, उससे बात करते हैं, ऐसे में लड़की तुम्हें भी रिजेक्ट कर देगी और रिप्लाई अच्छे से नहीं देगी। फिर तुम बोलोगे क्या लड़की रिप्लाई नहीं दे रही, लड़की ने इग्नोर कर दिया, लड़की तो भाव ही नहीं देती। अरे घंटा वो तुम्हें भाव क्यों देगी भाई, तुम जैसे बहुत पढ़े हैं, तुमसे अच्छे भी बहुत पढ़े हैं, ठीक है, उनको नहीं दे रही तो तुम्हें घंटा ही देगी। तो तुम्हें क्या है, पहले इन रियल उससे बात करो। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि मीट हर इन रियल एंड हैव अ गुड इंप्रेशन। अच्छा इंप्रेशन छोड़ना ज़रूरी है। अच्छा इंप्रेशन हो सकता है कभी तुम छोड़ पाओ और कभी तुम ना छोड़ पाओ। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, एक ऐसे बंदे को या ऐसी बंदी को ढूंढना है जो कि उसे भी जानता है, तुम्हें भी जानता है। उस शख्स को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड। उसको भी जानता है, तुम्हें भी जानता है, उसके थ्रू उससे मिलना है। इसका बेनिफिट क्या होगा कि लड़की को ये लगेगा कि ये लड़का अच्छा है, क्योंकि जिसको वो जानती है वो इंसान अच्छा है और वो तुम्हें जानता है, तो ऑब्वियसली ट्रस्ट तो बिल्ड हो ही जाएगा। तो लड़की के मन में से ये डर तो गया कि लड़का चेप होगा या लड़का हरामी है, नहीं, लड़की के ऊपर आपका ट्रस्ट आ चुका है, लड़की आपको जान चुकी है कि हाँ अच्छा लड़का है। उससे बात वगैरह करो, कोई जोक्स वगैरह करो, पूछो वो क्या करती है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ। मेक श्योर कि तुम्हारे पास कुछ एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि तुम उसको दिखा सको, शो ऑफ कर सको। नॉट लिटरली, सीरियसली शो ऑफ नहीं करना है, मगर वो शो ऑफ हो ही जाती है, जो चीज़ होती है वो शो ऑफ अपने आप हो जाएगी। तो ज़िंदगी में कुछ उखाड़ के रखो, कुछ करो, लड़कीबाजी के अलावा भी कुछ करके देखो लाइफ में, वो कर लो, तो लड़की के साथ जाओ, उससे बात वगैरह करो और अच्छा इंप्रेशन छोड़ो। कुछ दिखाने लायक नहीं तो लड़की के पास अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा, ठीक है। लड़की तुमको जान चुकी है, अच्छा कोई जोक वगैरह क्रैक कर दो, जैसे कि तुम उससे पूछो कि तुम क्या करती हो, लड़की बोलेगी कि मैं अभी ये इसकी प्रिपरेशन करूँ, उसकी प्रिपरेशन करूँ, डॉक्टर बन जाऊँगी, ये वो। तो उससे बोलो हाँ तुम डॉक्टर बन जाओगी, तब तो सही है यार, तुम तो मेरे दिल का इलाज कर दोगी, बहुत ज़्यादा दिल में दर्द है मेरे। कुछ भी ऐसा फालतू का, अभी तो मैं बिल्कुल घटिया जोक मार रहा हूँ, कुछ भी उससे मार सकते हो। अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया। सेकेंड पॉइंट, अब तुम्हें आना है चैटिंग पे, अब तुम्हें उससे चैटिंग पे बात करनी है। अब क्या गलती तुम करोगे कि उसको डायरेक्टली बोलोगे हेलो कैसी हो, हाउ आर यू, या तुम बिल्कुल सड़क छाप घटिया से पिकअप लाइन लेकर आओगे और चेप मारोगे, जो कि लड़की ने ना कुछ तो 100-200 लड़कों से सुन चुकी होगी और वो तुम्हें भी रिजेक्ट कर देगी और पूरा इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कुछ रेफरेंस पुट करने हैं। कौन से रेफरेंस, जो कि तुमने उससे जब तुम इन रियल बात कर रहे थे, जो तुमने जो स्टेप तब क्रैक किए थे, वो चीज़ें तुम्हें यहाँ पे भी पुट करनी है, सो दैट कि लड़की को याद आ जाए, ओ वाह ये तो वही लड़का है जो उसने उस दिन बात की थी, ये तो वही है जो उसने इतने अच्छे से बात की था। अरे वो तो पूरा माहौल उसको याद आ जाएगा। जब लड़की के मन में ये आएगा ना, ये तो वही लड़का है, तो लड़की जब उस समय जितना अच्छे से तुमसे बात करी थी उतनी अच्छी तरीके से अभी भी बात करना चालू कर देगी, इग्नोर नहीं करेगी। तो तुम बोल सकते हो कि वैसे एक बात है यार, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा, तुम जब भी इलाज करोगे मेरे दिल का, मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो तुम्हें फ्री में ही करना पड़ेगा। पहला मैसेज ऐसा ही कुछ डाल दो रेफरेंस के तौर पे, लड़की तुम्हें उसका रिप्लाई देगी, अच्छे से बात करेगी, हाय हेलो से, फॉर्मेलिटी से जितना हो सकता है उतना बचो, लड़की से रेफरेंस में बात करो, मजा आ जाएगा। थर्ड पॉइंट कि जितना हो सकता है ट्रॉलिंग नेचर लेकर आओ, जो ट्रॉल करना जानता है। तुम जैसे अपने दोस्तों यारों में लोगों को ट्रॉल करते हो, अपने बेस्ट फ्रेंड को जिस तरीके से ट्रॉल करते हो ना, वैसा ट्रॉलिंग बिहेवियर तुम्हें लड़की के सामने लाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ लाना ही पड़ेगा, लाना चाहिए, एड ऑन बेनिफिट होता है। होता क्या है कि हम बहुत अच्छा, हमारा नेचर होता है, हम बहुत अच्छा पॉइंट मारते हैं, लेकिन लड़कियों के सामने जाकर हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड बनेंगे, हम अच्छे लड़के हैं, हम अच्छे दिखाएंगे। तुम दिखावा मत करो, जो तुम हो वैसी लड़की से बात करो। लड़कियां भी बहुत ज़्यादा लड़कों जैसी हो चुकी हैं, तो ये मत सोचो कि लड़की के सामने ये कहूँगा तो ख़राब इंप्रेशन पड़ेगा। अरे लड़कियाँ तुमसे भी आगे निकल चुके हैं भैया, तुमसे भी ज़्यादा गालियाँ देती हैं, तुमसे ज़्यादा माँ बहन कर देती हैं लोगों की, तो बहुत आगे निकल चुकी हैं, ठीक है। तो उनको अंडरस्टिमेट मत करो, जो हो वही दिखाओ, अच्छे से बात करो, चीज़ों को लॉजिकल वे में पेश मत करो। जितना लॉजिक्स लगाओगे लड़की तुमसे उतना ही दूर भागने की कोशिश करेगी, क्योंकि लड़कियों को लॉजिक्स समझ में नहीं आते। बहुत सारी लड़कियां तुमने देखी होंगी, बहुत अच्छा
पढ़ती हैं, बहुत नंबर्स खींचती हैं, लेकिन मैथ्स में लो होती हैं क्योंकि उनका जो माइंड एनालिटिकल वाला होता है, लॉजिकल वाला होता है, थोड़ा सा सही नहीं होता है, ठीक है। लड़कियों को कभी मज़ा आया ही नहीं लॉजिक में, तो लड़कियों से लॉजिक में बात मत करो। लड़कियों को मज़े देना सीखो, हर एक चीज़ को इधर उधर घुमा के पेश करो, लड़की को बड़ा मज़ा आएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर तुम लेट हो, लड़की ने तुम्हें कॉल किया, कहाँ है बदतमीज, अभी तक नहीं आया, तो क्या करता है, हमेशा लेट हो जाता है, पागल है क्या, मैं बेवकूफ़ हूँ क्या यहाँ पे, तुम यहाँ पर अपना रीज़न दो, अरे यार थोड़ा ऑफिस का काम था, कॉलेज के असाइनमेंट्स कर रहा था, अरे ये वाला काम था, वो वाला। लड़की बोलेगी पागल है क्या, हमेशा यही करता रहता है, यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ और तू हमेशा यही करता है, हद हो गई तेरी। तुम दोनों आपस में झड़प लोगे कि तूने ये कह दिया, तूने वो कह दिया, ये वो तू समझती नहीं, तू समझता नहीं है, ये चीज़ें नहीं। तुम्हें क्या करना है, अरे यार पता है क्या, यहाँ पे ना बाढ़ आ गई है, मैं सबको बचा रहा हूँ, बिल्कुल रेस्क्यू कर रहा हूँ, बस तू 2 घंटे दे, मैं सबकी जान बचा कर आता हूँ, रात के न्यूज़ में देखियो मेरी खबर चल रही होगी। कुछ भी फालतू के, तो घटिया सा जोक मैं मार रहा हूँ, कुछ भी अच्छा सा तुम ऐसी एग्जेजरेट करो, ऐसी बात जो कि रियल नहीं है, रियलिटी में नहीं हो सकती, लेकिन जस्ट तुमने ऐसी कुछ भी ऊटपटांग बात पेल दी, लड़की उसके अगेंस्ट में कुछ बोलेगी नहीं, हंसेगी, फ़ोन कट कर देगी और तुम जाके उससे मिल लेना, सॉरी वॉरी बोल लेना। ऐसे ही चीज़ों को ट्रॉल करना सीखो, बात का बतंगड़ इधर उधर घुमा फिरा के बात पेल दो, लॉजिक्स कम दो कि ऐसा इसलिए हुआ, सुन मेरी बात, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ऐसा ऐसे होता है, वैसा वैसे होता है। लड़कियों को समझाओ मत, लड़कियों को इधर उधर की बातें पेल दो, और उसको तो मत समझाओ, कुछ समझाना तो इन जनरल समझाओ, कोई जनरल टॉपिक पे बोलो, उसको समझाओ मत। अब तुम्हारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, उनका रिप्लाई मैं तुरंत कर देता हूं, जो मुझे पता है क्या आ रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि यार मैं लड़की से बात करूँगा और उसने इग्नोर कर दिया, तो देखो जहाँ तक है वो इग्नोर नहीं करेगी, क्योंकि तुमने सारी चीज़ें फॉलो की हैं और तुमने इन रियल उससे बातें की थी, सारी चीज़ें सही से चलेंगी तो इग्नोर नहीं करेगी। लेकिन कहीं पे भी घपला हो गया और इग्नोर कर रही, तो तुम्हें क्या करना है कि उससे चीज़ें मांगना बंद कर दो, देना चालू कर दो। जैसे कि तुम उससे ये नहीं कह सकते कि क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, यार प्लीज़ क्या हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं, या 2 मिनट तुम मुझसे बात करोगे, यार तुम रिप्लाई क्यों नहीं करी, या हम शाम को कॉल पर बात करें, या यहाँ मिलने चलें, मिलने उलने की बातें बात करें, कुछ मांगो मत, मांगोगे चीज़ें और वर्स होती जाएंगी। तुम्हें क्या करना है, चीज़ें देनी है, उसको जितना हो सकता है अपना मस्त वाला बिहेवियर दिखाओ, तुम्हारी पर्सनैलिटी दिखाओ कि तुम कितने अच्छे से बात करते हो, तुम्हारी बातों में ही जादू है, तुम इतने अच्छे जोक्स क्रैक करते हो, लड़की हंस हंस के पागल हो जाती है, तुमने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा हुआ है, कुछ ऐसा जिससे लड़की इंप्रेस हो पाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ अपनी चीज़ों को दिखाओ जिससे लड़की इंप्रेस हो पाए और ईजिली तुमसे बात कर लेगी, और चीज़ें जो भी हैं वो नॉर्मल हो जाएंगी। तो चीज़ें दो, जितना हो सकता है बेस्ट चीज़ें दो, लेओ मत, लेओगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, लेने के लिए बाद में मिल जाएगा तुम्हें सब कुछ। कहने का मतलब यही है कि जो तुम हो वही रहो, जैसे तुम अपने दोस्तों में सैवेज रिप्लाइज देते हो, ऐसे यहाँ भी दो। लड़कियाँ इंप्रेस होती हैं मेरे भाई, कोई भी लड़की आजकल ऑफेंड नहीं होती, लड़कियों को पसंद है ऐसे लड़के जो मार लेते हैं एक दूसरे की, तो ऐसा बनो भाई, जो हो तुम वो रहो। उसके बाद लड़की तुम्हें नहीं पसंद करती, घंटा का पसंद ना करे, बाहर में जाए, दूसरी लड़की पकड़ो, मगर जो तुम हो वैसा रहो, तुम्हें भी कंफर्टेबल फील होगा, है ना, क्योंकि लड़कियों के साथ जैसा तुम रहना चाहते हो वैसा ही रहोगे तो ही तुम्हें मजा आएगा, नहीं लड़कियों के रिलेशनशिप में आगे इतना कोई मजा थोड़ी है, वही एक मजा है, वो वही मजा है, उसके अलावा थोड़ी मजा है, वो जो वाला मजा है ना, वो मजा नहीं देता यार, एक बार के बाद मजा नहीं देता। तो जरूरी है रिलेशनशिप को एंजॉय करना, तो जो तुम हो वैसा रह पाओ तभी मजा आता है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बहुत ही प्यारी वीडियो दे रखी है जहां पर मैंने बताया है कि लोग अगर आपको बुली करते हैं, लोग अगर आपको भला बुरा कहते हैं, लोग आपकी बेइज्जती करते हैं, तो आपको रिप्लाई कैसे देना चाहिए, उनको करारा जवाब कैसे देना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ जाकर देखो और सब्सक्राइब कर लेना उस चैनल को, बहुत अच्छी वीडियो है वो भी।